वेलकम दोस्तों, मैं एजाज आप सबका स्वागत करता हूं आज के रेक्नाटॉक के नए वीडियो में। आज का हमारा वीडियो है एयरटेल के आईफोन 7 की ऑफ़र, जिसे जिसमें आपको आईफोन मिल सकता है 7,700 रुपये के आसपास में कुछ, और उसके बाद आपको कुछ इंस्टॉलमेंट भरने होंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको इस ऑफ़र की फुल डिटेल्स दूंगा और मेरा व्यू दूंगा कि आपको ऑफ़र लेनी चाहिए या नहीं। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर बात की जाए तो यहाँ पर अगर आप ये है जो आईफोन की डिटेल्स है, अगर आप इसे गेट नाउ पर टैप करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलेंगे। चार ऑप्शंस है, एक है आईफोन 7 32 GB, आईफोन 7 128 GB, 7 प्लस 32 GB और 7 प्लस 128 GB। अब इनकी प्राइसिंग अलग अलग है जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो अगर आप एक आईफोन यूज़र है तो आपको ये चीज़ तो पहले सबसे क्लियर होनी चाहिए कि कम से कम अगर आप 32 GB का फ़ोन लेंगे तो आपको आगे जाके स्टोरेज प्रॉब्लम होने वाले है, क्योंकि इस फ़ोन में आपको एक्सपांडेबल स्टोरेज का कोई ऑप्शन नहीं मिलता है। मगर फिर भी हम एक बार बेस वेरिएंट को लेकर आगे बढ़ेंगे और आपसे शेयर करूँगा कि इस यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें दी जा रही है। तो अगर आप इसे बाय करने के लिए जाएंगे तो यहाँ पर आपको ये ब्लैक कलर में मिल रहा है। यहाँ पर आपको वन टाइम पेमेंट करना पड़ेगा 7,700 रुपये का समथिंग का, और उसके बाद आपको 24 मंथ्स तक 2,499 पे करना है, जिसके अंदर आपको एक फैमिली कनेक्शन प्लान मिलेगा, अनलिमिटेड कॉलिंग होगा, 30 GB डेटा पर मंथ आपको मिलेगा और एक फ्री हैंडसेट डैमेज प्रोटेक्शन प्लान है, जिसके बारे में मुझे कुछ ज़्यादा डिटेल समझ में नहीं आ रही है। ये जो हैंडसेट गेट फ्री मोबाइल रिपेयर इन केस ऑफ द एक्सीडेंट और फिजिकल डैमेज फॉर 2 ईयर्स, यहाँ पर ये कह रहे हैं इस चीज़ को, मगर आगे पता नहीं क्या हो रहा है। तो आगे जब मैं इसकी टर्म्स देखता हूँ यहाँ पर, तो टर्म्स के अंदर यहाँ पर काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो आपका जानना बहुत ज़रूरी है। शुरू करते हैं टर्म नंबर 10 से। टर्म नंबर 10 कहती है, अगर आपको ये डिवाइस मिलता है तो आपको 3 दिन के अंदर ही यहाँ पर बताना होगा अगर आपको कोई इशू है, वरना फिर आपकी जो कंप्लेन है उसे एंटरटेन नहीं दिया जाएगा, उस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा और आपको सर्विस सेंटर में जाना होगा। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है पॉइंट नंबर 13 कि अगर आप एक एयरटेल सब्सक्राइबर नहीं हैं तो डिलीवरी से पहले आपको एक एयरटेल सब्सक्राइबर बनना पड़ेगा, क्योंकि ये एक एयरटेल सब्सक्राइबर बेस ही ऑफ़र है। उसके बाद पॉइंट नंबर 16 में, अगर आप चाहते हैं कि अब आप सब्सक्रिप्शन को बंद कर दें तो आप वो भी कर सकते हैं, मगर उसके लिए फिर आपको जो भी यहाँ पर आपका अमाउंट आउटस्टैंडिंग है, जो आपका लोन आपने लिया हुआ है फ़ोन, उसके जितने भी इंस्टॉलमेंट्स बाकी, आपको वो सब क्लियर करने पड़ेंगे अकॉर्डिंग टू टर्म्स एंड कंडीशन। यहाँ पर पॉइंट नंबर 17 बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इस ये ऑफ़र से लेते हैं, दिस ऑफ़र इज़ अवेलेबल टू एयरटेल सब्सक्राइबर्स ओनली, अगर आप एक एयरटेल सब्सक्राइबर है तो ही आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं, आप इसमें कोई और दूसरे टेली कम्युनिकेशन सर्विस का सिम कार्ड यूज़ नहीं कर सकते। पॉइंट नंबर 18 है, अगर आपको और भी कोई ऑफ़र मिल रहा है तो उसको दूसरे ऑफ़र पर इस ऑफ़र का आप कंबाइन नहीं कर सकते, ये ऑफ़र स्टैटिक ही रहेगा। पॉइंट नंबर 19 है कि यहाँ पर आपको जो आपकी EMIs होंगे इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स, इसके अंदर आपको एयरटेल को ये परमिशन देनी होगी, जिसके अंदर एयरटेल डायरेक्टली आपका जो अकाउंट है उससे अपनी EMI को डेबिट कर लेगा आपके अकाउंट से डायरेक्टली। उसके लिए आपको एयरटेल को इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस स्कीम का आपको परमिशन एनेबल करके देना होगा। तो मतलब चाहे आपका टाइम होगा तो डायरेक्टली अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसे हो तो एयरटेल डायरेक्टली वहाँ से डिडक्ट कर लेगा। पॉइंट नंबर 20 में बता दिया गया है कि जो भी टैक्सेस होंगे EMI पर या फिर जो टैरिफ प्लान है, वो सारे के सारे टैक्सेस बायर को बेयर करने हैं, ना ही एयरटेल और ना ही लैंडर जो आपको पैसा लैंड पे दे रहा है इस फ़ोन को, उससे कोई टैक्सेस उनसे नहीं होंगे, सारे टैक्सेस आपको ही पेयर करने हैं। यहाँ पर ये जो पॉइंट नंबर 22 है कि आपको डैमेज प्रोटेक्शन वहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर ये चीज़ क्लियर कर दी गई है कि अगर ये डिवाइस डैमेज होता है, डिस्ट्रॉय होता है या गुम जाता है तो फिर भी आप लायबल होंगे, सारी EMIs आपको भरनी है। और ये चीज़ मैं अभी तक समझ नहीं पाया हूँ कि वहाँ पर डैमेज प्रोटेक्शन प्लान दिया जा रहा है और यहाँ पर क्या स्कीम है, इस बारे में मुझे कुछ क्लियरिफिकेशन नहीं है। अगर आप में से किसी को कुछ है तो ज़रूर आप कमेंट करके शेयर करें ताकि हमारे व्यूअर्स को और भी इसके बारे में डिटेल्स मिल सके। अब है पॉइंट नंबर 24, अगर आपका ऑटो डेबिट जो सिस्टम है जिसमें वो एयरटेल खुद आपके अकाउंट से अगर विड्रॉ कर लेता है EMI के पैसे, अगर वो फेल हो जाता है किसी रीज़न से, आपके अकाउंट में पैसे नहीं होते, तो फिर इसका मतलब है आपको वो पैसे 7 दिन के अंदर, जो भी आपकी डेट है उसके अंदर आपको पेमेंट करना है दूसरे पेमेंट मेथड से जो एयरटेल आपको सप्लाई एक्सेप्ट करेगा। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो फिर आप एक डिफ़ॉल्टर में आप काउंट किए जाएंगे। और इससे पहले ये भी टर्म है कि आपको एग्री करना है कि आप पैसे टाइम पर देंगे, आप डिफ़ॉल्ट नहीं करेंगे, आप पेमेंट में लैगिंग नहीं करेंगे। तो ये सारी इनकी टर्म्स हैं
और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी रखने वाला हूँ ताकि अगर आप भी इन्हें पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आपको 2499 के रेंट में जो पोस्टपेड प्लान मिल रहा है इसमें अनलिमिटेड आपको कॉलिंग मिलेगी एसटीडी और रोमिंग के साथ, 30 GB तक आपको डेटा मिलेगा और ये प्लान रहेगा 24 मंथ्स तक, 2 साल तक ये प्लान रहेगा। अब अगर आप टोटल ओवरऑल कॉस्ट को कैलकुलेट करें, फॉर एग्ज़ाम्पल 7777 रुपीज़ प्लस 2499, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर जो डिफरेंस है वो कुछ इस तरह आ जाएगा, 2499 और इसके बाद इसे मल्टीप्लाई करते हैं 24 से। अब यहाँ पर कुछ स्पेसिफिकेशन भी शायद नहीं दिया गया है कि इंक्लूडिंग टैक्सेस है या एक्सक्लूडिंग है, चलिए इसे इंक्लूडिंग ही समझ के एक बार करते हैं। तो ये आ गए 59,000 रुपीज़ सिर्फ इंस्टॉलमेंट्स के, प्लस आप जो वन टाइम पेमेंट इसको करेंगे तो आपको ये पड़ जाएगा टोटल 67,000 का आपको इसका कॉस्ट पड़ेगा। और यही सेम मॉडल अगर आप फ्लिपकार्ट पर ईएमआई पर लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये 32 GB का वेरिएंट है, 32 GB अभी कोई ऑफर भी नहीं चला, मना पहले तो ऑफर में 39,000 तक का ये हो गया था। तो इसे आप अगर ईएमआई का प्लान देखें, अगर आप नो कॉस्ट ईएमआई लेते हैं एचडीएफसी की, जो सबसे ज़्यादा आपको टाइम मिलता है 9 मंथ्स का, तो आपको सिर्फ 47,000 में ही 9 मंथ्स के इंस्टॉलमेंट्स में ये चीज़ मिल सकती है। मगर आप नॉर्मल स्टैंडर्ड ईएमआई को अगर आप देखें तो फिर उसमें फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं एचडीएफसी बैंक, सेम 24 मंथ्स, तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आपको 22,000 के इतने भरने होंगे जिसके अंदर आपको टोटल इंटरेस्ट मिला के इतने का ये पैकेज पड़ जाएगा, 54,000 रुपीज़ के आसपास का। मगर यहाँ पर आपको एयरटेल के पास वो सेम पैकेज 67,753 रुपीज़ का पड़ रहा है जिसमें आपको 2 साल का मिल भी जाता है डेली का प्लान। अगर आप फॉर एग्जांपल जियो का भी जो 459 का प्लान है जो है 3 महीने का होता है, तो इंटू 4 कर देंगे हम तो ये हो गया 1 साल का प्लान, और इसको इंटू 2 कर देंगे तो ये हो गए तकरीबन 3,600 रुपये। अगर आप इसमें ऐड भी कर दें तो भी ये 58,000 के आसपास आपको पड़ता है। सबसे बेस्ट तो ये है कि आप ये सारी स्कीम में ना पड़े, क्योंकि आईफोन अभी 8 आने वाला है तो दूसरी स्कीम जा रही है। मगर अगर आपको आईफोन 7 ही लेना है और ऐसे ही लेना है तो इस ऑफ़र से बेटर है आप डायरेक्ट ईएमआई कुछ दूसरी ले, या फिर इसे सेकेंड हैंड कोई अच्छा OLX पे ढूंढ के ख़रीदे तो वो ज़्यादा बेटर होगा। और अगर आप इसे 128 GB से अगर आप कंपेयर करेंगे वन टाइम, अगर हम डाउन पेमेंट्स का फिर से कैलकुलेट करें और इसमें अगर टैक्सेस भी और होंगे तो और भी एक्सपेंसिव हो जाएगा, इनटू 24 प्लस 16,300, तो तकरीबन 76,000 रुपीज़ का ये फ़ोन आपको ओवरऑल कॉस्ट में आएगा, इंक्लूडिंग कि आप सिर्फ एयरटेल का ही सिम यूज़ करें, आपको ECS करके देना पड़ेगा, अपना आधार कार्ड देना पड़ेगा वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें करनी आपको पड़ेगी। और अगर यही सेम फ़ोन अगर आप यहाँ पर EMI पर देखें, आईफोन 7 128 GB जिसकी कॉस्ट आ रही है अभी यहाँ पर, अगर आप नो कॉस्ट EMI भी देखें फ्लिपकार्ट पर, चलिए नॉर्मल HDFC बैंक 24 मंथ्स, तो यहाँ पर ये सेम फ़ोन आपको पड़ रहा है 64,500 का। इसमें आपको अगर आप नॉर्मल कोई जियो का कार्ड भी यूज़ करेंगे, नॉर्मल अपना भी 300 का कोई प्लान लेंगे एयरटेल का या वोडाफोन का, तो वो भी आप है। तो तकरीबन वो भी अगर आप 3,000 रुपये ऐड कर लो तो भी आपको 9,000 रुपये का सेविंग होता है। तो डेफ़िनेटली मेरा व्यू काफ़ी क्लियर है कि आपको सबसे पहले तो आईफोन 7 का भी इतना खर्चा करने की ज़रूरत है नहीं, सबसे बेस्ट ऑप्शन है आप OLX पे कोई 35-40,000 में आप आईफोन ले लीजिए। और अगर आपको फिर भी नहीं इतना पैसा एक साथ पे करना है तो आप EMI पे लेना चाहते हैं तो फ्लिपकार्ट या अमेज़ोन पे ही सेम 12-24 मंथ्स की ले लीजिए, जिसमें आपको 7 से 8 हज़ार रुपये का बेनिफिट मिलेगा, और जो आप करंट यूज़ कर रहे हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, ना ही आप पर कोई रिस्ट्रिक्शन है और ना ही आप पर कोई इशू है कि भाई आपको सिर्फ एयरटेल का सिम यूज़ करना है या आपको ECS करके देना है। अगर आप एक क्रेडिट कार्ड होल्डर है तो आप ये चीज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके पूछ सकते हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे वीडियोज़ को देखने के लिए। थैंक यू।